ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग तो शाम को चैतन्य भागवत सुनते हैं। हमने सोचा सवेरे और कोई ग्रंथों को हम ले लेते हैं जिसमें हमें भक्ति संबंधित तो कुछ अच्छे ज्ञान हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे। ये ग्रंथ का नाम है जैव धर्म, ये ग्रंथ है और ये ग्रंथ का जो रचयिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है। कहते ये भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? कहते इनको हमारी भक्ति जगत का भगीरथ बताया गया। भगीरथ ने किया कि जैसे उनका पूर्वज लोग सगर महाराज के 10,000 बच्चे कपिल मुनि की अभिशाप से सबके सब जल करके राख हो गए थे, लेकिन भले इनकी उधार कैसे होगा? भले इनको उधार हो सकता है अगर कोई गंगा को जगत में लाए, अगर गंगा पानी का स्पर्श हो जाए इनको उधार हो जाएगा, क्योंकि गंगा भगवान की चरणामृत है। इसलिए इनके वंश में दिलीप अंशुमान और ऐसे ऐसे बहुत बहुत
उनकी परंपरा में हुए हैं, वे लोग भी कोशिश किया गंगा को लाने के लिए, लेकिन कोई ला नहीं पाए। भले क्यों नहीं ला पाए, भले कारण है, इन लोग ने अपना संसार का विषय को भोग करके रिटायर्ड लाइफ में वृद्धावस्था में गए गंगा को संतुष्ट करने के लिए, हैं, इसलिए सब एनर्जी तो संसार में लगा दिया। जब संसार में सारी एनर्जी लगा दिया और अंतिम समय में गंगा जी को संतुष्ट करने के लिए कोशिश किया, इसलिए उनका जो मन है वो एकाग्र रूप में भगवान श्री गंगा देवी की भक्ति में नहीं लगा, हैं, भक्ति में नहीं लगा। लेकिन ये भगीरथ ने बोले नहीं, हमारी पूर्वज लोग दुख पा रहे, हाहाकार करते थे, हमें उद्धार करो उद्धार करो, हमारी उद्धार नहीं हो रहे, हम बड़े कष्ट भोग कर रहे हैं। भगीरथ ने देखा मेरे पूर्वज लोग दुख कष्ट पा रहे हैं और मैं सिंहासन में बैठ कर विषय भोग करूँगा, नहीं, पहले अपना पूर्वज को उद्धार कर लो। तो उन्होंने बचपन में उन्होंने गए भजन करने के लिए, बचपन में गए। देखना किसी बच्चे को कोई भी बात सिखा दो ना, झट पकड़ लेते, लेकिन हमारे जैसे वृद्ध जो बूढ़े हो गए, उनको कोई बात पकड़ाओ समझ में नहीं आता है, कोई बात याद करने के लिए जाओ याद नहीं होता है, हैं, लेकिन बच्चों को कोई बात याद कराओ झट बात इनको याद हो जाता है। इसलिए उन्होंने और बचपन में उन्होंने सारे एनर्जी उनके अंदर में, अभी उनका मन किसी विषय में भटका नहीं, एकदम मन उनका एकाग्र था, इसलिए उन्होंने बचपन में उन्होंने गए गंगा को संतुष्ट करने के लिए और उन्होंने मन प्राण चित्त पूरा के पूरा गंगा देवी की भजन में लगा दिया। गंगा देवी खुश हो गई, गंगा देवी खुश हो गए तो गंगा जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के भगीरथ ने गंगा सागर गए हो, गंगा सागर कौन कौन गंगा सागर गए, हाँ गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन तुम लोगों ने कितना बार गए हो, वाह वाह ये तो कमाल कर दिए हो। इसलिए अभी उन्होंने गंगा सागर में हजार साल पहले, कितने हजार साल पहले जल करके पूरा राख हो गए थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, हैं, कितना हजार साल पहले मर गए, लेकिन ये गंगा की इतने महिमा, लेकिन गंगा सागर वहीं पर ही शरीर छोड़े थे। जब गंगा बहते 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 आए और उनको पर गंगा केवल ऊपर होते हुए चली गई, गंगा नदी की इतने पवित्रता बात उससे ही उधार हो। इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर को क्या कहते, भक्ति जगत का भगीरथ। जैसे भगीरथ ने बड़ी कष्ट करके उन्होंने गंगा को लाए और उन्होंने पूर्वज को उद्धार किया, भक्ति विनोद ठाकुर भी ये भक्ति धारा को बड़ी संघर्षतापूर्वक बड़ी कष्ट करके उन्होंने ये शुद्ध भक्ति धारा को जगत में आए। और जब भक्ति विनोद ठाकुर आने से पहले हैं कितना तेरह अपसंप्रदाय है, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी सखी दरबेसाई हैं चूड़ाधारी गौरांग नागरी स्मार्त जात गोसाई, ऐसे तेरह अपसंप्रदाय है, हैं तेरह अपसंप्रदाय से बाहर है। इसलिए हमारे एक तुताराम बहुत बड़े भक्त हुए, बोले खबरदार अगर तुमको शुद्ध भक्ति अगर पाना चाहते हो ये तेरह संघ से दूर रहो, नहीं तो अगर उसमें फंस जाओगे ना, देखने के लिए लगातार खूब राधे राधे कर रहे हैं, खुद भक्ति भक्ति कर रहे हैं, लेकिन तुमको भक्ति नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगा, क्यों, वो अपसंप्रदाय है, वो अपसंप्रदाय देखने के लिए लगेगा। इसलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर आए, कुछ लोग ऐसे भक्ति जगत को बिगाड़ चुके थे, बाबा जी माता जी का दल है, कपड़ा तो पहनते गौरी की लेकिन बाबा जी माता जी की दल है, बीड़ी फूंकते हैं, सिगरेट खाते हैं, गुटखा खाते हैं, हैं, और उल्टा पुल्टा काम करते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगा दिए, गले में कंठी पहन हुए हैं, ये सब काम करते हैं लेकिन उल्टा पुल्टा सारे काम करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब आए उसको पहले लोग अगर सुनते थे, अरे ये सब भक्त ऐसे होते हैं, तिलक कंठी धार करने के उल्टा पुल्टा काम करते हैं, और कभी कभी बोलते थे हम तो महाप्रभु के धारा के महाप्रभु के फलवार हैं, लोग इसको सुन करके नाक से गुड़ाए करते थे, बोले ऐसे सब होते हैं। लेकिन भक्त विनोद ठाकुर प्रभुपाद आ करके सारे जितने उल्टा पुल्टा थे सब उन्होंने नष्ट किया, सब चीज़ को नष्ट किया, और महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने
प्रपर शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने दिखाया। और जो प्रभुपाद हुए इतने कठोर आचार्य जब प्रभुपाद ने बने, अगर भागवत में जो बताया दुतम पानम स्त्रियम स्वना जथा अधर्म चतुर्विधा, ये अधर्म है। क्या क्या है? दुतम, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो, हैं। नस्ली वस्तु में हमारी संप्रदाय में चाय तक भी उनको मना किया है, ये चाय भी नस्ली वस्तु है। क्यों? इसमें निकोटिन कैफीन डालते हैं, इसको पीने से हैं। और कुछ संप्रदाय हैं खूब भांग की गोला लेंगे, बोले बड़ा मस्ती आता है इसको लेने के बाद। मस्ती नहीं, बुद्धि विकृत हो जाता है, हैं। वो बुद्धि कोई काम नहीं करता है, लेकिन उनको क्या लगता है बड़ा मस्ती, मस्ती फस्ती कुछ नहीं हैं। इसलिए धूतम पानम स्त्रियम, स्त्रियम मतलब होता है अपना पत्नियों को, साधी सुधा पत्नी को छोड़ करके दूसरे पुरुषों को साथ में अवैध संबंध, और पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों को साथ में जो अवैध रूप में संबंध है, ये पाप का अपवित्रता को नष्ट करता है। और जो जीव हिंसा में जैसे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, हे प्रभुपाद ने एकदम उन्होंने ये चीज़ को कोई स्थान नहीं दिया, कोई स्थान प्रभुपाद नहीं दिया। इसलिए जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, कुछ कुछ जो संप्रदाय का लोग आकर के प्रार्थना किया, बोले प्रभुपाद दो चीज़ अगर छूट दे दोगे ना, दुनिया के जितने सारे संप्रदाय सब आकर के आपसे मिल जाएंगे, और कोई संप्रदाय नहीं रहेगा, एक ही गौड़ीय संप्रदाय रह जाएगा। प्रभुपाद बड़े कठोरतापूर्वक बोले, भले हमें हैं बीड़ी चाय अगर ये दो चीज़ को छूट दे दो, तो प्रभुपाद कहते हमें एक चंद्रमा की ज़रूरत है, हजार तारों का ज़रूरत नहीं। एक चंद्रमा सारा दुनिया को आलोकित कर देता है, हजार तारे कुछ नहीं कर सकते। हमें एक व्यक्ति चाहिए जो सचमुच से भक्ति को सचमुच से फॉलो करे, ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा भक्ति कर मार्ग में आ करके सारे उल्टा पुल्टा काम करे और बोले हम महाप्रभु की धारा में हैं। उन्हें एकदम ये चीज़ को उन्होंने एकदम स्वीकार नहीं किया प्रभुपाद ने, हैं। और भक्त विनोद ठाकुर ने ये भी बताए, बोले एक दिन ऐसे आएगा जगत में चार वैष्णव संप्रदाय हैं, कहते भविष्य में ऐसे आएगा एक ही संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु धारा एक ही संप्रदाय रह जाएगा और सब आकर इसमें ही मिल जाएंगे। और सचमुच से बात भी सही है, आप वृंदावन में कभी जाओ देखोगे, जिधर जाओगे ना हमारे गौड़ीय वैष्णव के तिलक लगाते हुए कंठी माला तिलक लगा सारा तरफ में इस्कन का भक्त गौड़ीय मठ के भक्त, जिधर देखोगे उधर उधर। नवद्वीप में गए होंगे, कौन गई परिक्रमा में नवद्वीप, कितने लोग देख रहे थे हमारा, तो हमारी तो मंदिर से इतने लोग, जब दूसरे पार्टी आ जाते हैं देख कितना लोग, और ऐसे ही कितने पार्टी में परिक्रमा होता है, हैं कितने पार्टी में। इसलिए कहते भक्त विनोद ठाकुर ने क्या कि उन्होंने ये भक्ति की भगीरथ, इन्होंने बड़े कष्ट करके शुद्ध भक्ति धारा को लाए और ला करके उन्होंने जगत में महाप्रभु का वाणी प्रचार किया, ये तो लाए। लेकिन और एक बहुत बड़ी चीज़ भक्त विनोद ठाकुर ने किया, बोले क्या चीज़ किया, कहते फलेना परिचयते, जैसे किसी वृक्ष का महिमा समझना हो, कैसे वृक्ष का महिमा समझा जाता, बोले फल को द्वारा, फल से। अगर कोई तुम्हारी बगीचा में कोई एप्पल का पेड़ हो जाए, अंगूर का, चीकू का, बोले रखो उसको, उसको रखो, बोले क्यों पानी दो, बोले ये बढ़िया फल देगा। लेकिन कोई बबलू का पेड़ देखा है इसको काट दो, तो काट दो, जरूरत नहीं, क्यों ये फल देने वाले नहीं। इसलिए वृक्ष का महिमा तभी पता चलता है उसकी फल को देख करके, तभी वृक्ष की महिमा पता चलता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर रूपी वृक्ष में फल कौन सा फल आए, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी रूपी फल उसमें आए, वाह एक फल इतने मीठा फल आया उसमें, इतने मीठा फल जिस फल को खा करके पूरा विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो। अरे इन्होंने ही ये गौड़ीय मठ को उन्होंने स्थापन किया, हैं इस्कॉन को गौड़ीय मठ को इन्होंने स्थापन किया। और देखो सारा दुनिया में भक्ति की भगीरथ है, चारों तरफ में भक्ति, हैं चारों तरफ में भक्ति 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 भक्ति, चारों तरफ में भक्ति की धारा हाँ उमड़ रहा है। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर ने ये ग्रंथों को लिखा, इसका नाम रखा किया, बोले जैव धर्म, इसे ग्रंथों का नाम रखा हैं। जैव धर्म मतलब क्या है, बोले जीव का वास्तव धर्म क्या है। इसलिए ये जैव धर्म को हमारे गौड़ीय मठ के ये वेद बताया गया, इसको हमारे गौड़ीय मठ का वेद बताया गया।
जैसे भागवत को हर वैष्णव संप्रदाय में जैसे भागवत को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत है, हैं? क्योंकि अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप अशो वेदार्थ परिवृणत। जितने वेद पुराण गीता भागवत उपनिषद ब्रह्म सूत्र का जो सार भागवत है, कहते ये जो जैव धर्म ये हमारे संप्रदाय का मूल, हमारे गौड़ीय मठ का मूल है। इसलिए कहते अगर कोई गौड़ीय कहना चाहती जरूर ये ग्रंथों को पढ़नी चाहिए, हैं, ये ग्रंथों को जरूर हमें पढ़नी चाहिए। और ये ग्रंथों को पढ़ने से हमें समस्त ग्रंथ का सार पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें तीन खंड है, तीन खंड है, प्रथम दूसरे और तीसरे। अब प्रथम जो खंड में, प्रथम खंड में उन्होंने संबंध तत्व को स्थापन किया, दूसरे में अभिधेय भगवत प्राप्ति कैसे होगा, और जो तीसरी खंड प्रयोजन हमारे जीवन के लक्ष्य किया है। इसलिए ये तीन खंड में उन्होंने ये तीन चीज़ों का स्थापन किया। अगर ये ग्रंथों को पढ़ लिया ना, समझ गया, समझ सब समझ गया तुम सब समझ गए। इसलिए आज हम प्रस्तावना को सुनेंगे, हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी इसी ग्रंथों के विषय में क्या बोले हैं, हैं क्या बोले हैं, इसी विषय पर हम श्रवण करेंगे। कहते यहाँ पर जब जैव धर्म ग्रंथ कहते, जैव धर्म कहने से इसका मतलब क्या पता चलता है, कहते जीव संबंधी जो धर्म इसको कहते हैं जैव धर्म। जीव धर्म का ये बोधगम्य होता है, हैं, लेकिन ये बाह्य दृष्टि से अगर देखोगे जैसे अलग अलग देश है, अलग अलग जातियां हैं, कहते अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग पशु हैं, हैं, कीट पतंग विभिन्न प्राणी भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होने पर भी कहते ब्रह्मांड के निखिल जीव समूह का नित्य और सनातन धर्म एक। हम कहते ना धर्म एक है, धर्म दो नहीं। इसलिए बोले सबई पुंसा परो धर्म जत भक्तिर अधक स्वजे। सबई पुंसा, वो निश्चित रूप में जीव का एक ही धर्म है। क्या धर्म है? जत भक्तिर अधक स्वजे। अधक स्वजे जो भगवान कृष्ण, उनको भक्ति करना ही, यही एक धर्म, और धर्म दूसरा है नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं धर्म एक है जिसका नाम सनातन धर्म, नित्य धर्म, जैव धर्म है, जिसको जैव अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है। ये कहते जैव धर्म ग्रंथ में इसी सार्वत्रिक सर्वकालिक तथा सर्वजनिक नित्य धर्म जैव धर्म का हृदय ग्राही सांग पांग वर्णन है। कहते यहाँ पर कहते हैं जो जैव धर्म ग्रंथ में सर्वकालिक सर्वनैतिक जितने हैं उसमें हृदय ग्राही सांग पांग वर्णन है। इसमें वेद वेदांत उपनिषद भागवत पुराण ब्रह्मसूत्र महाभारत इतिहास पंचरात्र साठ संदर्भ चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल निर्मणि, ये जितने सारे ग्रंथ है, कदि ये सारे ग्रंथों के अतिशय गंभीर और गहन विषय को सार सरस है। ये सारे ग्रंथ का जो सार, कदि ये जैव धर्म पढ़ने से ये सब ग्रंथ पढ़ना तुम्हारी हो जाएगा, क्योंकि सब ग्रंथ के सार सार रूप में यहाँ पर दिया है। और इसमें कैसे दिया ग्रंथ को, बल सरल कथन शैली से गागर में सागर की भांति भरा हुआ है। कति ग्रंथ में उन कथोपकथन, कथोपकथन मतलब है एक प्रश्न कर रहे हैं और दूसरे इसका उत्तर दे रहे हैं, जिस जो चीज़ समझ में नहीं आता है। और उसमें ये वस्तु आप देखोगे जो प्रश्न कभी हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं, जिस विषय पर कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं वहाँ पर ये सब प्रश्न किया है। हम साधारण बद्ध जीव है ना, हमको तो धर्मों के बारे में कुछ पता नहीं, और भक्तों के पास में जा करके साधुओं के पास में जा कर क्या पूछे अभी पता नहीं। साधारण लोग तो साधु के पास में क्यों जाते हैं, बेटा का शादी नहीं हो रहा है, बेटा की शादी हो गया बच्चा नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस अभी ठीक से चल नहीं रहा है, सामने वाले तीन मंजिल मकान हमारा अभी एक मंजिल है, अभी हमारे यही सब बात पूछने के लिए जाते हैं ना साधु के पास में। लेकिन वास्तव रूप में साधु के पास में जाकर क्या पूछनी चाहिए, हैं? इसलिए इन्होंने प्रश्न और उत्तर माध्यम से उन्होंने
ये सब कथव कथन को उन्होंने बड़े सरल रूप में, बड़े सारग्राह्य रूप में ग्रंथ को उन्होंने वर्णना किया है। कति इसी ग्रंथ में विशेष करके बोले संबंध भगवान के साथ में हमारी क्या नाता है, बोले अविधय, अविधय मतलब भगवान हमें कैसे मिलेंगे उसका प्रोसेस क्या है, और प्रयोजन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ग्रंथित भगवत तत्व है, ये ग्रंथ में कौन सा तत्व तुमको मिलेगा, बोले भगवान कौन है, हैं बोले ये जीव कौन है, भगवान की शक्ति क्या है, जीव बद्ध और मुक्त जो दो दशाएं जीव का हैं, बद्ध दशा और मुक्त दशा, कर्म क्या, ज्ञान किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, और स्वरूप एवं तुलनात्मक रूप में हैं, तुलनात्मक रूप में विचार करके बड़े गंभीर रूप में कहते वैधि और रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, वैधि भक्ति किसको कहते हैं, इसका क्या डेफिनेशन है, बड़े सिद्धांत विचार वैशिष्ट, और लास्ट में उन्होंने वो भगवत प्राप्ति का वास्तव किया है। हमको तो पता चले गया संबंध अभिधेय प्रयोजन, लेकिन हम उनको प्राप्त कैसे करेंगे, उसको विषय में उन्होंने जो नाम भजन की सर्वश्रेष्ठ बताया। कितना कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर होता रही पर, इसलिए हम भगवान का नाम कैसे करने चाहिए और नाम करने के लिए हमें क्या उपाय अवलंबन करनी चाहिए, क्योंकि नाम लेने से क्या होता है, बोले तदस्म सारम हृदयम बदतम, अगर भगवान का नाम को लेकर के आंखों से आंसू बहा नहीं, हृदय गदगद नहीं हुआ, तुम्हारी रोंगटे खड़े नहीं हो गए, क्या समझनी चाहिए, तुम्हारे नाम अभी सही हो नहीं रहे, कुछ अपराध तुम्हारी। लेकिन वो अपराध को हम कैसे दूर करके भगवान का शुद्ध नाम को हम कैसे जीवन में ग्रहण करें, कभी ये सारे जो विचार है ना ये ग्रंथ में उन्होंने सारे विचार दिया है। बोले यद्यपि गौड़ीय विदास, इसलिए कहते आज हम थोड़ी सी इसका प्रारंभ करते हैं। मैं सोच रहा था इसका एक मध्यम खंड है जिसको अभिधेय तत्व वर्णन किया, जिसमें दस तत्व है, दस मूल कहते हैं, लेकिन मैंने सोचा अगर उसको बोलेंगे, लेकिन पहले क्या हुआ इनको हम लोगों को पता नहीं चलेगा हैं, कि वो बीच में आ रहा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे जितना दूर हो सके पहले से ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसका जो पहला अध्याय है, कहते जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म है, जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म, इसके ऊपर में विवेचना कर रहे हैं। नित्य मतलब जो वास्तव धर्म है, नैमित्तिक मतलब जिसको कुछ निमित्त को हो करके जो धर्म उदय हुआ, इसलिए क्या है जीव का, इस विषय पर ग्रंथ में वर्णना करते हैं। जब पहले ये शुरुआत करते हैं, कहते इसी पृथ्वी में जम्बुद्वीप श्रेष्ठ है, जम्बुद्वीप श्रेष्ठ बताया संपूर्ण पृथ्वी में, लेकिन ये जम्बुद्वीप में भी कहते जो भारतवर्ष है इसको श्रेष्ठ बताया, क्यों, भारत है, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब जो लोग केवल प्रकाश की तरफ में रत रहते, इसलिए इसका नाम भारत है। अब देखो सारे नदियाँ कहाँ पर है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कहीं पर, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री कहाँ पर है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंती द्वारावती कहाँ पर है, चार धाम कहाँ पर है, चार धाम क्या क्या है बोलो, द्वारका पुरी और रामेश्वर और हाँ द्वारका हाँ बद्रीनाथ, इसलिए कहते जो चार धाम ये भारत में ही है, इसलिए ठाकुर जी कहाँ जन्म हुए, कृष्ण कहाँ जन्म हुए, वृंदा राम भगवान राम कहाँ आए, अयोध्या में प्रभु राम आए हैं, भगवान वामन देव कहाँ है भारत में आए, नरसिंह देव कहाँ आए हैं, हाँ इसलिए नरसिंह भगवान कहाँ पर आए, इसलिए जितने भगवत अवतार जो कुछ देखो ना सब भारत में, इसलिए कहते जो कहते जम्बुद्वीप में हैं, कहते भारतवर्ष को ये सर्वश्रेष्ठ बताए, लेकिन जो भारतवर्ष में भी कहते ये सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है, कहते गौड़ भूमि हैं, इसलिए जिसको चैतन्य भागवत में बताए नवद्वीप है न धाम त्रिभुवन नाही
जहाँ अवतीर्ण है ल चैतन्य गोसाई। नवद्वीप जैसे धाम दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि जहाँ पर स्वयं कृष्ण राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के आए। इसलिए पहले सुने ना, शंकर जी कहते पार्वती ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ हो, कोई करोड़ों करोड़ों बार कोई तीर्थ कर ले, उसमें जो फल मिलेगा अगर कोई नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं, उससे करोड़ों गुण ज़्यादा फल मिलेगा जो नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं। माँ कौन, ये शंकर पार्वती को कह रहे हैं, हैं? कहते ये बात सच में जीव को विश्वास नहीं होगा। शंकर जी कहते पार्वती ये बात सत्य बात है, हैं? ये नवद्वीप नहीं, राधा रानी के हृदय से न कुंज प्रकट हुआ है। कौन कौन नवद्वीप गए हो? नवद्वीप कौन कौन गए हो? सब गए। इसलिए कहते ये नवद्वीप सर्वश्रेष्ठ है। कहते हाँ, कहते राहुल प्रभु कह रहे जिसको जाना अभी से टिकट बुक करा लो, क्योंकि अभी टिकट बहुत कम पैसा में, 16 टिकटें हो गए बड़ौत वालों की। और कि कितने कितने पैसा में आना जाना हो रहा है? हाँ, पाँच हज़ार में आना जाना प्लेन में, ट्रेन में नहीं प्लेन में। और जो ट्रेन में जाना चाहते हैं उनके लिए तो 1200 रुपया, कितना 1200 रुपया। हाँ, हरे कृष्णा। यहाँ पर कह रहे हैं गौड़ भूमि में हैं, जो महापुर का जो गौड़ भूमि है, कहते उसका अंदर में भी कहते जो नवद्वीप मंडल ये उत्कृष्ट है। ये गौड़ भूमि में ये नवद्वीप धाम कहते ये सर्वोत्कृष्ट है। कहते इसी नवद्वीप मंडल के एक स्थान में भागीरथी के किनारा में एक गोद्रुम नाम का स्मरणीय जनपद निद्य विद्यमान। गोद्रुम कौन कौन गए गोद्रुम में, हैं? ये गोद्रुम स्थान क्या है? कहते गो मतलब गैया, द्रुम मतलब वृक्ष। जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर में उन्होंने 7 दिन तक बारिश बरसाया, जब उनको पता चला ये भगवान हैं कृष्णा, तो उन्होंने कैसे ये अपराध से मेरे को मुक्ति मिले, हैं? हमने अपराध किया। तब उन्होंने सुरभि गैया की अनुगत्य में कृष्ण चरण में माफ़ी मांगे। पर इसी सुरभि गैया की अनुगत्य में उन्होंने देखा इसी नवद्वीप धाम में महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे। जब राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के या जो महाप्रभु की लीला में जब ये आएंगे, बड़े दयालु बड़े कृपालु बनेंगे। क्यों? राधा रानी बड़ी दयालु। कृष्ण तो 3 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन राधा रानी हमारी बड़ी सिद्धि साधी है। इसलिए वृंदावन में जाओ कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राधे राधे। सब राधा रानी का नाम लेते राधे, हैं? और राधा का नाम लेते ना मुँह अपने आप खुल जाता है, मतलब जरूर जरूर राधा रानी कुछ हम भक्ति रस पिलाएगी, हैं? इसलिए उन्होंने देखा ये कृष्ण तो टेढ़े हैं, भक्ति भी टेढ़ी है और सब कुछ, लेकिन ये हमारी राधा रानी बड़ी सरल सीधा है। नवद्वीप में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के आएंगी, और कृष्णा अवतार में तो उनको याद रहता है तुमने ये अपराध किया है, तुमने ये सब गड़बड़ किया। लेकिन जब महाप्रभु का रूप में आएंगे ना, वो याद नहीं रहेगा। दिन रात कृष्ण प्रेम में राधा रानी भाव में महाप्रभु डूबे रहेंगे। कहते जे आगे पड़े तारे करे निस्तार, कोई भी व्यक्ति आ गई महाप्रभु के चरण में, महाप्रभु पीछे चीज नहीं देखा, तुमने क्या किया नहीं देखा, उनने ये देखा अभी तुम क्या कर रहे हो। कहते कृष्ण प्रेम आय से ज्यादा दूरदर्शनी, अगर महाप्रभु दूर से किसी व्यक्ति को देख लिया ना, उसके हृदय में भी कृष्ण प्रेम आ गए। कहले जे आगे पड़े, एक बार अगर महाप्रभु के चरण में आकर के प्रणाम कर लिया, प्रभु माफ कर दो, महाप्रभु और कोई चीज़ देखे ही नहीं, और कोई चीज महाप्रभु नहीं देखे। बोले ठीक है बेटा, जा कृष्ण नाम कर, इससे ही तुम्हारी उद्धार हो जाएगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दयाल निताई चैतन्य बोले नाचरे आमार मन। मेरा जो मन है नित्यानंद और महाप्रभु का नाम को लेकर नाच उठे। बोले क्यों? बोले ए मन दयाल तो नाही है, मार खे प्रेम दिए। ऐसे दयाल देखे हो जो मार खा कर भी प्रेम दिया है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं वहाँ पर गोद्रुम को याद है कि नहीं, कहाँ गोद्रुम है? नवद्वीप परिक्रमा में गए कि नहीं, हैं? कहते नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हाट जिबेर कारण, वहीं पर है, हैं? वहीं पर उन्होंने इंद्र की अपराध वहीं पर भजन हुआ था, इसलिए उस स्थान का नाम है, हैं? हाँ, गंगा पार करके जब जाते हैं ना वहाँ पर बैठते हैं, हाँ, इसलिए कहते वो गोद्रुम है।
गोद्रम नाम की बड़ी सुंदर स्थान विद्यमान वहाँ पर है। लेकिन प्राचीन काल में गोद्रम को उपवन में अनेक भजनानंद पुरुष जगह जगह पर निवास करते थे। वहाँ पर क्या करते थे, जो भजनानंदी संत होते थे वहाँ पर भजन करते थे। बोले क्यों भजन करते थे वहाँ पर, बोले कारण है जैसे इंद्र ने अपराध किया लेकिन वहाँ पर भजन करने पर महाप्रभु उनको दर्शन दिया है और उनका सारे अपराध दूर हो गया था। हमारे बहुत अपराध है, नाम अपराध, धाम अपराध हैं, हमारे अंदर में कितने अपराध भरा पड़ा हुआ, इसलिए कहते वहाँ भजन करने से सारे अपराध दूर हो जाता है। वहीं पर भजन करते थे। किसी समय वही सुरभि ने, यहाँ पर बताए सुरभि, अपने लता मंडप में भगवान गौरचंद्र की आराधना की। कभी ये सुरभि गाभी ने बड़े सुंदर लता मंडप था, कभी उन्होंने वहीं पर आराधना की थी। इससे थोड़ी दूर पर प्रद्युम्न निकुंज नाम की एक भजन कुटीर थी, उसको थोड़ी दूर में ही प्रद्युम्न निकुंज हैं नाम का एक भजन कुटीर था। वहाँ सघन लताओं से ढकी हुई एक कुटी के भीतर प्रेमदास परमहंस नाम के बाबा जी रहते थे। वहाँ पर एक साधु जिनका नाम था प्रेमदास परमहंस बाबा जी महाराज, वहाँ पर बैठ करके भजन करते थे। कहते भगवत पार्षद प्रबर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के शिक्षा शिष्य थे। उनका किसका शिष्य, उनको पहले एक भक्त हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न, कहते ब्रह्मचारी के ये शिक्षा शिष्य बाबा जी निरंतर भजनानंद में मस्त होकर अपना समय बिताया करते थे। इनका जीवन कैसे था, इनका जीवन था भजनानंदी, और हमारा जीवन है भोजनानंदी, और उनका जीवन है भजनानंदी, इसलिए और कभी कभी घुमानंदी भी सो जाते हैं, इसलिए हमारा जीवन भजनानंदी होनी चाहिए, हमारे जीवन हैं भजनानंदी होनी चाहिए। इसलिए नियम है सचमुच से भजनानंदी तभी बनेंगे जब एक जगह पर बैठकर भजन करेंगे। हमारे जो भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज थे, ये जब तक 100,000 माला पूरी नहीं कर लेते थे ना, हैं वो कुछ बात नहीं बोलते थे, हैं जब उनको सब्जी मार्केट करने के लिए जब हमारे वहाँ प्रेमानंद प्रभु जाते थे, गुरुजी को जो पैसा दे तो सब्जी लाएंगे, पहले 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 भजन करो, जब तक मेरे 100,000 नाम पूरी नहीं होगा हम कुछ नहीं देंगे, पहले 100,000 नाम पूरी करके, क्योंकि हमने घर बार छोड़ करके भजन के लिए आए हैं, इसलिए पहले भजन उसके बाद में भोजन है। मतलब ऐसे महाराज की भजन में निष्ठा थी हमारे महाराज जी की। इसलिए कहते वहाँ पर क्या करते थे, भजनानंद में मस्त होकर अपना समय बिताया करते थे। एकदम भजनानंद में मस्त होकर के अपना जीवन को सब समय में हरिनाम करना, प्रभु की लीला चिंतन स्तुति स्तब से ही अपना जीवन को उसमें बिताए करते थे। कहते श्री प्रेमदास बाबा जी सभी शास्त्र में पंडित होते हुए भी नंद ग्राम से अभीर्ण तत्व जानकर गोद्रम वन का एकांत मन में आश्रय किए हुए थे। कहते ये जो प्रेमदास बाबा जी महाराज थे वो कैसे, कहते सारे शास्त्र में पंडित थे, सारे शास्त्रों को पढ़े हुए थे, विद्वान थे, लेकिन होते हुए भी कहते वो जो गोद्रम हैं, क्योंकि नवद्वीप को क्या मानी गई, ये गुप्त वृंदावन हैं, गुप्त रूप में वृंदावन, कहते ये जो गुप्त वृंदावन है आप बताओ तो गोद्रम वृंदावन का कौन सा स्थान, गोद्रम है वृंदावन के अभिन्न स्थान है, कौन सा स्थान वृंदावन के बोलो, जानते हो, कहते ये नंद गांव, कौन सा स्थान है अभिन्न नंद गांव, इसलिए महाप्रभु जब वहीं पर आते थे, जैसे नंदगांव में घर घर में गोपियों के घर में प्रभु मक्खन चोरी करने जाते थे, मक्खन खाते थे हैं, वहाँ पर टेर कदम है, वहाँ पर नंदगांव में टेर कदम, वहाँ पर उद्धव कियारी, और वहाँ पर नंद खिड़क है, अभिन्न नंदगांव है, इसलिए कहते ये कहते उसको नंदगांव में कहते अभिन्न गोद्रम को एकांत भाव में ये अभिन्न नंदगांव मान करके वहीं पर आश्रय के हुए भजन करते थे। देखो भजन कैसे करते थे, बोले रोज नित्य 200,000 हरिनाम जप करते थे। कितना करते थे, अरे हम लोग कितना करते हैं, इसलिए रोज रोज उन्होंने 200,000 हरिनाम करते थे। और क्या करते थे, सब वैष्णव का उद्देश्य में
सत सत दंडवत तथा गोप गृह में माधु के द्वारा जीविका निर्वाह करना पड़, यही उनकी जीवन का नियम हो चुका था। करते थे क्या, जैसे अभी लोग हम लोग खड़े होकर जय देते ना, जय श्री श्री गुरु गौरांगंधर विका गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। जय नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जैसे हम लोग खड़े होकर के जय ध्वनि देते थे, लेकिन उस समय में क्या करते थे, एक बार जय देकर पूरा साष्टांग प्रणाम करते थे फिर खड़े हो जाते थे, फिर दूसरा बार जब जय देते थे फिर साष्टांग प्रणाम करते थे फिर खड़े हो जाते थे, तीसरा बार जब करते थे फिर साष्टांग ऐसे 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 जय ध्वनि देते थे, हैं ऐसे जय ध्वनि देते थे। एक एक वैष्णव के उद्देश्य में एक एक साष्टांग दंडवत उनका नाम हम जो भजन करते हैं ना, वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगाना प्रथमे वंदना करी सवार चरण, हम लोग सब वैष्णव का इस भजन को रोज बोलनी चाहिए हैं। इसमें नीलाचल नवद्वीप पूरी सब वैष्णव का नाम को लिया, यहाँ तक भी जो हुए और होएंगे उनका नाम भी लेकर के प्रणाम करते हैं, सब वैष्णव का नाम लेकर के एक एक बार कहते। वैष्णव का उद्देश्य में सत सत बार दंडवत करते थे हैं, और वहाँ से माधुकरी ग्रहण करते हुए अपना जीवा निर्वाह करते थे, और यही उनकी जीवन का नियम हो चुका था, यही जीवन है उन्होंने पूरा इसी नियम से जीवन बिताए करते। जब वे भी इनकी कार्य से अवसर पाते थे किसी प्रकार की ग्राम्य कथा व गंधा वार्तालाप ना करके भगवत पार्षद प्रधान श्री जगदानंद के प्रेम विवर्त को पाठ करते थे, जो 2 लाख हरिनाम, उनका जीवन कैसे था, रोज 2-2 हरिनाम। अभी 2 लाख हरिनाम करने के लिए कितना समय लगेगा, 12-13-14 घंटा लग जाएगी, इतना समय लग जाएगी, इतना घंटा लग जाएगी। उसके बाद में वैष्णव का उद्देश्य में प्रणाम, फिर उससे जब थोड़ी समय निकलता था फिर क्या करते थे, कहते श्री कहते प्रेम जगदानंद पंडित की प्रेम विवर्त ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बढ़िया सुंदर ग्रंथ है, प्रेम विवर्त है, हैं वो सुंदर ग्रंथों को बैठ करके वो ग्रंथों को अध्ययन करते थे। अब पढ़ते पढ़ते अवस्था क्या होता था, उनका आँखों में आंसू भर आती थी, और इसी समय निकटस्थ जितने आसपास में कुंज में रहने वाले जितने भक्त लोग हैं वो सब के सब आ करके बैठ करके उनसे ये कथाओं को सुनते थे। बोले क्यों नहीं सुने, क्यों नहीं सुने, कहते जो प्रेम विवर्त ग्रंथ है समस्त रस्व तत्व का भरपूर है ग्रंथ, हैं सारे रस्व तत्व का ये ग्रंथ भरपूर है, उस पर भी बाबा जी के अमृत बरसाने वाले मधुर स्वर लहरी में कहते अप्लावित हो जाता और उनकी विषय विष ज्वाला शांत हो जाती थी। कहते जो बाबा जी महाराज थे उनकी जो गला बड़ी मीठी गला थी, बड़ी सुंदर गला, फिर उनकी बड़ी सुंदर से उसको गा गा करके उसको सुंदर से उनको पढ़ा पढ़ते थे, जिसको सुन करके दूसरे दूसरे जो भक्त लोग होते थे उसको सुन सुन करके विष विष ज्वाला शांत हो जाता था। वो ग्रंथ बड़ी सुंदर ग्रंथ है, पता नहीं अभी हिंदी में निकला कि नहीं, मेरे को पता नहीं, हाँ प्रेम विवर्त ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, कभी हो तो वो ग्रंथों को आप लोग जरूर पढ़ाना पढ़ना। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, एक जो साधक है जो भजन करने के लिए आए, वास्तव रूप में उनका जीवन कैसे होनी चाहिए, उनको समय कैसे उल्टा पुल्टा काम में समय को नहीं लगा करके, हैं जैसे स्मार्टफोन है ये सबसे उल्टा पुल्टा यही चीज़ है, गंदी काम में हमें जो लगा देती है, टीवी है इंटरनेट है ये सब उल्टा पुल्टा काम में लगा देती है हमें, इसलिए इस सब चीज़ों में मन को नहीं लगा कर क्या करनी चाहिए, भगवान की भजन करो हरिनाम करो, और समय हो तो भगवान ग्रंथ पढ़ो भगवान की कथा कीर्तन करो, हैं और जितना हो सके भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन को बिताओ, और शुद्ध भक्तों शुद्ध भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए अपना जीवन को बिताओ, तो एक दिन हम भी एक दिन गौरव प्रेम में आप्लुत होकर के एक दिन अपना जीवन को भी हम अपना
धन्याति धन्य बना सकते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। हम कोशिश करेंगे रोज रोज कुछ कुछ पढ़ने के लिए। कल जब सुनेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर होगा, और प्रश्न किया और उत्तर किया उसको सुनेंगे, और आप लोग भी ध्यान से सुनना और कोशिश करना उसको सुनना भी है और लिख लेना, कापी में लिख देने। कापी मिला कि नहीं? कापी तुमको मिला? नहीं मिला कि नहीं तुमको? आज मिलेगा कापी, इसलिए उसको लिखना और उसको कोशिश करना याद करने के लिए, ठीक है। ललिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दावन सम संसार दहनी दग्ध जीव खुल उधार कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंदी से गुरु शरण कमल नृत्य गीत वाद्य। आज आज कुछ लता दीदी आज कुछ बनाना नहीं, पता नहीं क्या बाहर से कुछ कुछ आएगा, कुछ नहीं बनाना। गण महामत मने बंदी से गुरु शरण कमल गुरु शरण कमल बंदी से श्री हरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांच कंपासु हरि गौर प्रेमी बंदी से गुरु चरण कमल सदरत जीने विग्रह सेवने श्रृंगार दिया मंदिर मार्जने करे अनुगत जने बंदी से गुरु चरण कमल सर्व ले जायरा समय प्रसादन कृष्णे अति मधुमय भक्त स्वादने निज त्रिपरे बंदी से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लोभ चित जिने अन प्रतिशने बंदी से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाए श्री हरि ब्रज जो भजन्द रति संवर्धने युक्ति कर सके सन वृंदावने अति दक्षताए प्रियतम गने बंद से गुरु शरण कमल सर्वशास्त्रे गाए श्री हरि स्वरूप भक्तगण भवे शैयनुरूप किन्तु जिनि प्रभु प्रियतम रूप बंदी से गुरु चरण कमल जहर प्रसादे कृष्ण कृपा पाए जर प्रसादे अन्य गति नाई त्रिसंध तीर्थिर तब जाने भाई बंदी से गुरु चरण कमल गुरुदेवास्तक अति जतन करी ब्राह्मी मूर्ते बड़े उच्च करी वृंदावन नाथ तत्सत श्री हरि सेवा पाए से वस्तु से भी काल बंदी से गुरु चरण गुरु चरण जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरु
तुलसी है ना, इसको बाहर रख दो, ये हवा से तुलसी धीरे धीरे सब धीरे धीरे अप्रकट हो जाता है। ये तुलसी को बाहर रहता है ना, बाहर रहता है, उसको सवेरे होने के बाद रात्रि हर सारा दिन यही रहते रहते ना, ये हवा खाते खाते, ये तुलसी गर्मी हवा है, सारी तुलसी खत्म हो रहा है, तो तुलसी को ना ये हो गया बाहर निकाल दो और ये फैन बंद कर देना, और सब फैन को झाड़ लगा रहे हैं, फैन बंद कर दो। कर कृष्णा है ते चतुर्मुखा, अन कृष्ण से ब्रह्माते नारद माते नारद ते व्यास मध्व कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गाते पावना